जहां तक उत्तर प्रदेश का उद्देश्य का सवाल है, कई लोगों के स्टेटमेंट ऐसे हैं वो हमें जाने के लिए कहीं कह रहे हैं। उनका कहा हुआ स्टेटमेंट और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का कहा हुआ स्टेटमेंट को मैं दोबारा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके नेतृत्व वाले जितने भी लोग हैं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो, और जो उनका उसी तरह का भाषण को आगे बढ़ाने वाले लोग जो प्रदेश में हैं, वो चाहते हैं कि इस बात की बहस न हो कि आज नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने यही नारा दिया था कि हमें नहीं चाहिए एनपीआर, हमें चाहिए रोजगार। सीए की बहस, एनआरसी की बहस, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान और हमारे देश की जो भावना रही है उससे खिलवाड़ की है। एक एक देश के नागरिक जानते हैं, जितने भी भारतवासी हैं वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये फैसले इसलिए लेती कि समाज को बांट सकें और उनका राजनीतिक हित उसमें पूरा हो। समाजवादी पार्टी कभी पक्ष में नहीं रही, और पहले दिन भी मैंने कहा और आज फिर कहता हूं कि जितने लोगों की जान गई है सबकी जान पुलिस की गोली से गई है। आखिरकार उनके परिवारों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छिपाई जा रही थी, और यह सरकार ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा सकती है। आज जो अर्थव्यवस्था डूब गई, भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था, आज हम एक्सपोर्ट में पीछे चले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट के चाहे वो आगरा रहा हो, चाहे वो मुरादाबाद है, चाहे भदोही या और अन्य जिलों से जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था, आज हम नीचे जा रहे हैं, उसमें है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहस तो नए साल पे इस बात पे करते कि नोटबंदी के बहाने देश को गुमराह कर दिया। आज सरकार बताए कि आखिरकार बैंकें क्यों डूब रही हैं, क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था में पैसा आ ही नहीं रहा, क्या कारण है इसका, और कौन जिम्मेदार है कि कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहता है। ऐसे क्या उद्योगपति या आम लोग क्यों डरे हुए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। और फिर कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी आईसीयू में है, बैंकिंग सिस्टम आईसीयू में है। हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा आईसीयू में पहुंचा दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई को छिपाना चाहते हैं लोग। बिजली का उत्पादन अगर सरकार ने बढ़ाया हो तो बता दें, ये सरकार कैसी है जिसको यही नहीं पता कि बिजली का दर बढ़ा दी गई, कैसी सरकार है। और जिनकी कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी वो बताओ कहां उलझे हुए हैं, किन बातों में उलझे हुए हैं। जो आरोप लगते थे, राजनीतिक पार्टियां लगाया करती थी एक दूसरे पर आरोप, लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसके आईपीएस खुद आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार कौन है, जिम्मेदार कौन है उसके लिए। इसलिए
कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, उसके मुखिया जिम्मेदार हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के यूथ के लोग, नौजवान लोग साइकिल चलाकर के रोजगार मांगने का काम करेंगे। साइकिल चलाएंगे, रोजगार की मांग करेंगे और वहीं ये भी कहेंगे कि एनपीआर हम नहीं भरेंगे। और हम तो अपील करेंगे औरों से भी कि आगे आए और जो सत्याग्रह का ये आंदोलन समाजवादियों ने या देश के लिए छेड़ा है उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें। हम नहीं भरेंगे एनपीआर, हम नौजवान मांगेंगे रोजगार।